पहले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं कितने कैटायन हैं क्या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है कैसे कैसे वो प्रेसिपिटेट होते हैं क्या थ्योरी है हमने एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों ऐड करी ये सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में इस चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमने ये रिएजेंट क्यों ऐड किया इसके साथ ही एक्स्ट्रा रिएजेंट क्यों ऐड किया इसका क्या फंक्शन था एट्सेट्रा तो ग्रुप फर्स्ट इसमें आयन है लेड प्लस टू सिल्वर प्लस एच जी टू प्लस टू दिस इज़ मर्क्यूरस मर्क्री प्लस वन स्टेट में है एंड एच जी टू प्लस टू यहाँ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है डाइल्यूट एच सी एल हम अपने मिक्सचर में डाइल्यूट एच सी एल एड करेंगे तो अगर ये प्रेजेंट हुए उसमें तो ये क्लोराइड बना लेंगे लेड लेड क्लोराइड बनाएगा पी बी सी एल टू सिल्वर सिल्वर क्लोराइड ए जी सी एल मर्करी मर्क्यूरस क्लोराइड एच जी टू सी एल टू तीनों के प्रेसिपिटेट वाइट कलर के हैं तो फर्स्ट ग्रुप में ये कैटायन कौन कौन से हैं क्या डाला डाइल्यूट एच सी एल और ये कैसे कैसे प्रेसिपिटेट हुए दे आर प्रेसिपिटेटेड एज देआर क्लोराइड्स और तीनों का कलर है वाइट ये सारी बातें तुम्हें तो याद रखनी है अब डाइल्यूट एच में क्या था डाइल्यूट एच सी फॉर्म में डाला है मीन्स ये स्मॉल कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड नेगेटिव प्रोवाइड करेगा तो जो फर्स्ट ग्रुप में जो कैटायन है वो इस बेस पर इस ग्रुप में रखे गए हैं क्योंकि इनको प्रेसिपिटेट होने के लिए थोड़ी सी कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड में ये हो जाते हैं पीपीटी आउट तो इनको थोड़ी कंसन्ट्रेशन ऑफ क्लोराइड चाहिए उसी कंसंट्रेशन में इनका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सॉलीबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाता है मीन्स सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कम सोलिबिलिटी कम इसको ऐसे याद कर लो कि जब सॉलीबिलिटी प्रोडक्ट कम है तो सॉलीबिलिटी कम है मीन्स प्रेसिपिटेट के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं थोड़ा याद करने के लिए कम कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड प्रोवाइडेड बाय डल्यूट एच विल बी सफिशिएंट फॉर दीज कैटाइंस टू प्रेसिपिटेट देम एज देयर क्लोराइड्स और अगर यहाँ यहीं पर हम पहले स्टेप में ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड डाल दें तो मान लो और कैटायन भी प्रेजेंट है जो ग्रुप सेकेंड में है थर्ड में है फोर्थ में है फिफ्थ सिक्स जिसमें भी हैं वो भी अपने क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे तो इसीलिए हमने इन सिर्फ उन्हीं कैटायन को फर्स्ट ग्रुप में रखा है जो कम कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड में भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं तो इसी वजह से इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है तो हम थ्योरी में लिखेंगे कि स्मॉल कंसंट्रेसन ऑफ क्लोराइड इज सफ़िशिएंट टू प्रेसिपिटेट आउट दीज कैटायन इन द फॉर्म ऑफ देयर क्लोराइड्स इसी केस में इनका आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से जो प्रेसिपिटेट बनने की कंडीशन है लेकिन जो हाइयर ग्रुप हैं उनके जो कैटायन हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा कंसनट्रेशन चाहिए क्लोराइड की नेक्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप सेकंड में बहुत सारे कैटायन हैं अब ये तुम जानो कि तुम इनको कैसे याद करोगे देखो तीन है प्लस थ्री में बिस्मत प्लस थ्री आरसैनिक प्लस थ्री एंड दिस इज एस बी प्लस थ्री एंटीमनी एस बी प्लस थ्री बाकी प्लस टू प्लस टू फॉर्म में है अब देखो फर्स्ट ग्रुप में लेड प्लस टू था वो यहाँ पर भी है फर्स्ट ग्रुप में एच जी टू प्लस टू था वहाँ पर मरकरी प्लस वन स्टेट में था यहाँ पर मरकरी एच जी प्लस टू सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में दिस इज मर्क्यूरिक तो मर्क्यूरिक और लेड ध्यान रखने हैं तीन ये बिस्मत आर्सेनिक और एंटीमनी है उसके बाद बचा सी यू सी डी कॉपर प्लस टू कैडमियम प्लस टू एंड टिन प्लस टू सी यू सी डी एस एन प्लस टू इनका जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है एच टू एस गैस फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करने के बाद हम एच टू एस गैस डालेंगे सोल्यूशन में से बट साथ में डल्यूट एच सी एल मतलब गैस पास करने से पहले डल्यूट एक्सीएल भी ऐड करेंगे सोल्यूशन में तो एसिडिक कंडीशन में एच टू एस गैस हमें सोल्यूशन में से पास करनी है देन दीज रेडिकल्स अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट हुआ दीज विल बी प्रेसिपिटेटेड एज देयर सल्फाइड्स मतलब ये सल्फाइड बनाते हैं एच जी एस पी बी एस ऐसे ऐसे सल्फाइड बनाएंगे ये तो थ्योरी में हम क्या लिखेंगे कि ये जो कैटायन हैं इनके सोलबिलिटी प्रोडक्ट कम है आई पी इज ग्रेटर देन एस पी ये सब में लिखना है इनके सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कम है और एस्टुएस गैस पास करने पर ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन इस केस में कम है और वो कम कंसंट्रेशन सफिशिएंट है इनके सल्फाइड बनाने के लिए अब कम कैसे कर सकते हैं हम एस्ट्रुएस गैस तो पास कर रहे हैं तो ये जो साथ में डाइल्यूट एच लगा है ये रिस्पॉन्सिबल है कि एच प्रोवाइड तो करेंगे लेकिन लिमिटेड अमाउंट में तो ये ऐसा क्या कर रहा है वो हम पढ़ेंगे तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वट इज़ द फंक्शन ऑफ एच या हमने एसिडिक मीडियम यहाँ पर क्यों दिया अभी थोड़ी देर पहले हम कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर रहे थे देखो एच हम ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा और एच टू एस यहाँ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो डालना ही है तो एच टू एस एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशियट ऐसे होता है टू एच प्लस प्लस एच टू नेगेटिव और जो एच है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग एसिड है हमें पता है वो कंप्लीट डिसोशिएट होता है सिंगल एरो से दिखाया है इट विल गिव एच पॉजिटिव प्लस सी नेगेटिव तो H2S गैस के साथ HCl डालने पर H पॉजिटिव H पॉजिटिव कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है उस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है एच टू एस उसकी डिसोशिएशन कम हो जाएगी मतलब वो कम एच पॉजिटिव देगा और कम एस टू नेगेटिव देगा तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हुई कम इस कम कंसंट्रेशन में ग्रुप सेकंड के कैटायन सल्फाइड बना लेंगे एज पी बट जो हायर ग्रुप के कैटायंस हैं जो थर्ड ग्रुप में हैं फोर्थ में हैं फिफ्थ में हैं उनको अगर वो भी प्रेजेंट हुए उनको प्रेसिपिटेट आउट होने के लिए सल्फ़ाइड की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन चाहिए तो अगर हम डाइल्यूट एच सी एल नहीं डालेंगे तो सल्फाइड की कंसनट्रेशन तो ज़्यादा अवेलेबल होगी ही क्योंकि हम एस्ट्रोस गैस पास कर रहे हैं तो वो भी यहीं पर प्रेसिपिटेट बना लेंगे और काफ़ी सारी इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे तो उस इंटरफेरेंस से बचने के लिए हमने सल्फाइड की कंसंट्रेशन को कम करा और वो किसकी हेल्प से किया डल्यूट एच की इसने क्या किया कॉमन आयन इफेक्ट तो हुआ ये याद और एक लाइन हर केस में हम लिखेंगे थ्योरी में कि दिस कंसेंट्रेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ हायर कैटायंस और उनके सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं और जो हमें प्रेसिपिटेट आउट करना है उनके सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एस कम है उनके सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कम होते हैं विच इज़ द बेसिक कंडीशन ऑफ फॉर प्रेसिपिटेशन अब एक और बात जो ग्रुप सेकंड में डिफरेंट केटायन है उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है फर्दर टेस्ट में काम आएगी ये बातें सेकेंड ए एंड सेकेंड बी सेकेंड बी में तीन केटायन हैं एंड सेकेंड ए में जो बाकी बचे पाँच वो हैं इनको इस तरह क्यों डिवाइड किया गया है क्योंकि सारे सल्फाइड बनाते हैं तो डिवाइड क्यों किया गया इनकी फ़र्दर टेस्टिंग में काम आएगी ये चीज़ अमोनियम सल्फाइड के सोल्यूशन में जो सोल्यूबल होते हैं उनको एक तरफ कर दिया और जो इन रहते हैं उनको एक तरफ कर दिया बस बाकी कई बार वन मार्क में कलर भी पूछ लेते हैं कई बार पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनके कलर मर्करी सल्फ़ाइड लेड सल्फाइड कॉपर सल्फाइड एंड बस्मत सल्फ़ाइड सबका कलर ब्लैक है एक्सेप्ट सी डी एस कैडमियम सल्फाइड कैडमियम सल्फाइड येलो कलर का होता है सेकेंड ग्रुप में बाकी जो इस साइड तीन है आप इनके कलर भी देख सकते हो